पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के चलते लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। सोलन शहर वासियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल महंगाई के मुख्य रूप हैं, जिसके दाम बढ़ने से ना सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे बल्कि हर चीज के दाम बढ़ेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इसको रोल बैक किया जाए। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। शहरवासियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल महंगाई की जड़ है और इनके दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इन बढ़े हुए दामों के कारण भारतवर्ष में महंगाई बढ़ी है, इसलिए इन दामों को नियंत्रित करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई वृद्धि का असर भारत की जनता पर पड़ेगा, जिसकी वजह से किराया महंगा होगा, जिसके चलते भारतवर्ष में हर चीज महंगी होगी। उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि वे जल्द से जल्द डीजल और पेट्रोल की बड़ी कीमतों को वापस ले, ताकि आम आदमी को थोड़ी राहत मिल सके। मैं लीलाधर शर्मा, प्राइवेट बस ऑपरेटर, लगभग 15-20 सालों से इस काम में कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। और अभी सरकार ने जो बजट पास किया है कल के केंद्र सरकार ने, वो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, इससे जनता पे बोझ पड़ेगा, ऑपरेटरों पे बोझ पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि ये जो डीजल पेट्रोल के रेट जो बढ़े हैं, इसको वापस लिया जाए, ताकि जनता पे कोई बोझ ना पड़े और सरकार हमारी स्थायी रूप से चलती रहे। मैं हिमाचल टैक्सी यूनियन प्रेजिडेंट सोलन ओल्ड बस स्टैंड प्रधान कमल कुमार, मैं ये पेट्रोल डीजल पे बोलना चाहता हूँ। जो सरकार ने ये जो टैक्स लगाया है पेट्रोल डीजल पे, ये गलत लगाया है। इससे है कि आम पब्लिक को नुकसान हो रहा है और हमारे को भी इससे नुकसान हो रहा है। इससे है कि अगर हम रेट बढ़ाते हैं तो पब्लिक पैसा नहीं देती, पूछती है क्यों रेट बढ़ाया गया, तो हम भी कहाँ जाएंगे। जब सरकार टैक्स बढ़ाएगी तो हमें भी कुछ बढ़ाना पड़ेगा, पर पब्लिक देती नहीं है क्योंकि पब्लिक पे बोझ पड़ चुका है। और हम भी चाहते ना पब्लिक से लें, तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि इस पे जो टैक्स लगाया वापस लिया जाए और आम पब्लिक को राहत दी जाए। मेरा नाम अजय है और मैं सोलन से ही हूँ और मैं यहाँ पर ऑटो चलाता हूँ। जब मैं पेट्रोल पंप पे गया तो उसमें मैंने डीजल और पेट्रोल के दाम बड़े देखे, तो इसमें काफ़ी इतनी जल्दी ही 3-4 रुपये का फ़र्क पड़ गया है, जिससे कि आम जनता को काफ़ी काफ़ी कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। पहले पेट्रोल का जो मूल्य था वो 68 रुपये और अब 71 हैं, और डीजल 61 था और आज 64 कुछ हो गया है। इससे आम जनता की जेब पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है, जो कि ये रेट झेलने में वो असमर्थ है। सरकार से अनुरोध है कि प्लीज़ पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती करें, ताकि आम जनता को राहत मिले। थैंक यू। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार। ओम ट्रेडिंग कंपनी ऑथोराइज्ड सेल्स एंड सर्विस सेंटर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर अलार्म, फायर हाइड्रेंट, स्मोक डिटेक्टर एंड सीसीटीवी। हमारे यहाँ उपलब्ध है हर प्रकार के अग्निशमन यंत्र और उनको रिफिल करने की सुविधा। स्कूल बस, टैक्सी और अन्य सार्वजनिक वाहनों में लगने वाले अग्निशमन यंत्रों की हर रेंज उपलब्ध है। हम लगवाते हैं अस्पतालों, स्कूलों, पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसी, गोदामों और व्यापारिक इमारतों, फैक्ट्रियों में फायर हाइड्रेंट सिस्टम। आपके मॉड्यूलर किचन के लिए विशेष अग्नि सुरक्षा यंत्र और स्मोक डिटेक्टर भी उपलब्ध है। तो अपने घर, ऑफिस और व्यापारिक संस्थानों को आगजनी की घटना से सुरक्षित रखने और सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए आज ही संपर्क करें। ओम ट्रेडिंग कंपनी, वीपीओ डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। मोबाइल नंबर 9418115485 एंड 9418000299।